इलाके के वातावरणीय मेरे माइत मेरे भाई और पार्टी के कार्यकर्ता, सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ। मुझे सुबह यहाँ आना था लेकिन बाद में मुख्यमंत्री का आदेश हुआ कि प्रधानमंत्री से जुड़ के भिवानीपुर कार्यक्रम करो, और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लंबा हो गया है घंटे का, तो आपको देर से बैठना पड़ा। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। और आप लोगों ने कुछ पाने के लिए संघर्ष करने की बाधा रखना पड़ेगा भाई। आप देखो, आपकी विरोधी ताकतें जो इस इलाके का हक यहां नहीं आने देना चाहते, वो तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। और लोहारू हल्का में ये वही ताकते हैं जो 10 साल से कहा करते हैं कि हैट्रिक कर देंगे, इसको निकाल देंगे, इसको हरा देंगे, इसको भगा देंगे। राजनीतिक आदमी हैं, कुछ चंदा चोर हैं, और अब वो किसान के आवरण में किसान का नाम लेके बदतमीजी बदमाशी करने की उन्होंने ठान रखी है। किसानों के मैं पांव धोने के लिए तैयार हूं। किसान ये बैठे हैं, सारे किसान हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं, किसानों की राजनीति कर रहा हूं, लेकिन किसान का नाम लेके जो किसानों का शोषण करते हैं, किसानों को लूटते हैं, उन आदमियों से जेपी दलाल डरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं डरेगा। सबसे पहले मैं आपके बीच में आया हूं, खाली हाथ नहीं आया, कुछ लेके आया। जब भी दिन हो रात हो मैं सोचता रहता हूं कि टाइम कम है, कुर्सी परमानेंट नहीं, कल जाती आज चली जाओ, लेकिन मैं सोचता रहता हूं जल्दी जल्दी अपने इलाके के मैं काम कर दूं। सिवानी इलाके के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पानी की, पीने के पानी की समस्या यहाँ थी। इन 14 गांवों में पीने का पानी गंडावास, पुचली, मिट्टी, बतानी, मोरका, झुप्पा, ये सरपंच साहब बैठी है, खारा पानी पीते थे टैंकरों से। मैंने 40-50 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना के पानी लाने की कोशिश की। जो आज आदमी विरोध कर रहे हैं, जो किसान का बड़े बैठे हैं, ये धरने पे बैठे थे कि महाराज जो है ना, यहाँ पाइपलाइन दब के पानी नहीं आना चाहिए। आप मुझे झुप्पा के आदमी हो, मतानी के हो, मिट्टी के हो, गेंडावास के हो, बुच्चली के हो, नो बताओ, तारा अच्छा काम करा है, मुंडा करा भाई? ये गलत थे कि नहीं थे? ये वही आदमी हैं। इनको इनको ये है कि इनकी दुकान चलती रहनी चाहिए, और इनकी दुकान चले जब जमींदार कमजोर रहे, कमा के ना खावे, और फसल ना हो, सूखा पड़े, ये तंबू लाए रहे और पर्ची काटते जाओ। आज मैं एक मुख्यमंत्री जी से मंजूर करा के लाया हूं सेवानी के लिए कि अगले एक साल के अंदर 3-4 हजार किले में जहां जिंदगी में पानी नहर का नहीं लगे वहां पानी लगवाऊंगा। आप लोगों को सिर्फ जमीन बतानी है कि एक टैंक बनवाने की जगह दे दो, मुझे 25 किले से बड़ा चक बना दो, 25 किला, 30 किला, 100 किला, 150 किला, एक तालाब बना लो, पॉलीथिन बिछा देंगे, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक पाइप दबवा के पानी ले आऊंगा, सोलर का प्लांट लगा दूंगा, ड्रिप इरीगेशन फुहारा तब लगा दूंगा, सारा चीज मैं करूंगा सरकारी खर्चे पे। तुमने सिर्फ अपनी जमीन देनी है। और जो ये कहते हैं कि ये चीज नहीं हो सकती, यहां पर जिसके दम पे ये चंदा खा कर दे, यहां पर फसल इसी कर दूंगा कि मुआवजा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को, और ये स्कीम हर साल बढ़ाए जाएंगे। हमारे यहाँ 15-20 हजार एकड़ की ऐसी जमीन है, झुप्पा से लेकर बुरेरा इधर है, गेंडावास है,
बुद्ध शैली है, गंगाला है, मिट्टी मोर का मतानी है, इन्होंने खेड़ा हो गया, आगे पंडोली तक चले गए। यहाँ पानी बहुत कम लगता है, आधी जमीन ने तो धूलकोट भी नहीं है भाई। एक तारीख तक पोर्टल चालू करा दूंगा, जो आदमी 25 एकड़ तक ऊपर का कह देगा कि मेरे पास कट्ठी जमीन है, दो आदमी की, चार आदमी की, पांच आदमी की, छह आदमी की, और भाई आधा पौना किला का तालाब बनाने की इजाजत दे, थोड़ी बहुत सोलर लगाने की इजाजत दे, ताकि क्योंकि बिजली भी आवे ना आवे ऐसा है, सोलर से अपने दिन दिन में पानी लग जाए। ये स्कीम सोचिए, मैं सोचता रहा इतने दिनों से, साल हो गया भाई, किस तरह पानी लाऊ, मैं किस तरह पानी लाऊ। मैंने ये भी कोशिश की थी कि हिसार का सीवरेज का पानी साफ करा के नहर बना के आड़े ला दूं, लेकिन वो हिसाब किताब नहीं बैठ रहा। लेकिन आपको अगले एक साल में पता लग जाएगा। और ये पानी लाने की कीमत पता है आपको क्या है? एक किले में पानी लाने का खर्चा 2.5 लाख रुपया है। 100 करोड़ रुपए यहां खर्च करवाऊंगा, और ये अपने 10-15-20 काम में होंगे। और भी स्कीमें हैं, आपके पास टाइम है, चिंता ना करो। ये बकवास करते रहते हैं सरकार टूट जाएगी, सरकार टूट नहीं जाएगी, सरकार फिर भी आओगी। आप सपने मुंगेरी लाल के सपने मत लो, मुंगेरी लाल के सपने ना लो, तुम रिजल्ट देखो। चुनाव हुए थे बिहार में, बाई इलेक्शन हुए थे मध्य प्रदेश में, बाई इलेक्शन हुए थे यूपी में, गुजरात में, तारा पड़ोस में लाकर राजस्थान पंचायत समिति के चुनाव, सरकार कांग्रेस की और जीतते बीजेपी है। जनता जीतती है, किसान जीत रहा है, बीजेपी नहीं जीत रही, झूठ हार रही है, सच्चाई जीत रही है। और इन झूठों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आज तरह तरह के ढोंग करते हैं, जो आदमी दो आदमी ले, चार आदमी मोबाइल लेके इधर काली कातर दिखा के फोटो उतार दिए, उड़े ये पंतरी घेर दिया, उड़े ये कर दिया, ये कर दिया, ये कोई तरीका है लोकतंत्र का? वोट आते तो तुम जीत नहीं सकते, लोगों का दिल जीतो, लोगों के काम करो, लोगों को लूट लूट के खाया है तुम लोगों ने। आज जनता तुम्हें समर्थन नहीं दे रही तो भड़को मत। और भाई इतवार का जलसा था, इतवार का हो गया इलेक्शन, मेरे गलती मेरे तरह की 27 तारीख का पंचकुला का और इसका सोनीपत का, रेवाड़ी का, कई जगह के चुनाव है, तो उस दिन के बजाय, अरे हमने भी कहा था 2-3 दिन में तैयारी हो जाए, तो हमने कमाल कर दिया था, 2-3 दिन में पूरी तैयारी कर ली, मतलब तो अगला शनिवार इतवार का जलसा कर देंगे। जलसा होगा, 100% होगा, पानी के लिए होगा। ये डराने वाले से नहीं डरते भाई। और हम, मैं कहता हूं पंजाब सरकार को, कहता हूं कि हमारा हक बहुत खा लिया, हरियाणा कमजोर नहीं है, शिवानी का किसान डरपोक नहीं है, अपना हक लेने के लिए, अपना पानी मांगने के लिए, एसवाईएल के नहर बनवाने के लिए हम महल में पूछेंगे। हमें कोई लाट काले झंडे दिखाए, ये वही आदमी हैं जो धरना करते थे, इन 14 गांवों में पीने का पानी था, धरना देते थे गोपालवास चौक पर, अब पानी नहीं आना चाहिए, ये वही आदमी है जो कहते हैं कि हमारा भाईचारा ना तोड़ो। आज इनका भाईचारा पंजाब से हो गया, अरे हमारा डकैती डाल रखी है हमारे पानी पे, इनका भाईचारा हो गया, कहाँ का भाईचारा। मैं तो एक चीज कहता हूं, शर्म आनी चाहिए इनको, हरियाणा के किसानों की तरफ नहीं देखते, जो देशद्रोही ताकते हैं, देश पे जुल्म करने वाले लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, जिन्होंने एक होता है गिद्ध जिस पेड़ में बैठ जाए, अगर वो सूख जाए, अगर हरा पेड़ भी, ये कम्युनिस्ट गिद्ध है, लाल झंडे वाले किसी के नहीं होते। इनका पैसा विदेश से आता है, मैं 4-5 साल से कहता रहता हूं, ये तनख्वाह वाले हैं, ये वही आदमी है। तो आपको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप चीज सारी समझते हो। मैं किसी किसान भाई को चीनी नहीं कहता, किसी को पाकिस्तानी नहीं कहता,
लेकिन इनको तो जो चोर को चोर कहूंगा तो मेरे को पीछे किसान का नाम बीच में आते हैं, किसान का आवरण ओढ़ लेते हैं। किसान को मैंने आज तक कभी बुरा भला नहीं कहा, किसान परिवार से हूँ मैं, किसानों के बीच में रहता हूँ, किसानों की सेवा के लिए आया हूँ, आप लोगों की सेवा करूंगा। बहुत हिम्मत का काम रखो और ये लड़ाई जो है शिवानी हलके के तकदीर बदलने की लड़ाई है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो चौधरी बंसीलाल ने कहा था कि मैं गन्ने और धान की खेती देखना चाहता हूँ बालूरित के टीपों में, और उस दिशा में जो मेरे से बन सकेगा मैं करूंगा, और रोकने वाली बाधाओं से मैं डरने वाला नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए आपका आपके सामने सर झुकाता हूँ। अगर आपको लगा कि जेपी दलाल गलत काम कर रहा है, आपको लगा कि जेपी दलाल में कोई कमी आ गई है, तब आप मुझे बुला के पंचायत में जो कह देना, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बुलाने वालों से, चंदा चोरों से जेपी दलाल लीड रहेगा, चंदा चोरों से जेपी दलाल ना डरा हूँ ना आगे डरूंगा, इतनी बात का जिक्र करता हूँ। और भाई ये बकवास बाजी करने वाले से डरो मत, आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, सब भाई जो है ताकत दिखा दो। जो रैली शिवानी की जो रैली है, शिवानी के लोगों का भीड़ है, एक एक भाई को मैं जानता हूँ, एक एक भाई 100 आदमी लेके आया होगा। आज ये पूरे जो आदमी है 100 से कम कोई लेके नहीं आया होगा, और आपको पूरा इस पानी की लड़ाई में मेरा सहयोग करना है। धन्यवाद, जय हिंद।